ये है एक क्लाइमेट हीरो, खाना, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक। ये हरी मशीन हर फन मौला है। हम क्रांति के करीब हैं। ये वायुमंडल से CO2 भी सोख लेती है और गाय की डकार से मीथेन को कम करती है। धरती पर मौजूद समस्त जीवन के पीछे भी इसी का हाथ है। ये भला है क्या? ये है 3.5 अरब साल पुरानी एल्गी यानी शैवाल या काई, खूबियों से भरपूर। बहुत समय पहले की बात है, धरती एक गर्म सूप के माफिक थी, जहरीले रसायनों से भरी हुई, न पौधे न जानवर। नीले हरे शैवाल यानी सियानोबैक्टीरिया कहलाने वाली इस काई ने सब कुछ बदल दिया। सियानोबैक्टीरिया बहुत ही निराले किस्म के जीव हैं। ये वाकई बहुत निराले हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मोरिस कॉख इस खास किस्म के शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसके वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। कुछ अरब साल पहले हुई इस घटना में सियानोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और फिर ये दुनिया बनती चली गई जिसमें हम रहते हैं। सियानोबैक्टीरिया को माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल कहा जाता है। बड़े शैवाल यानी मैक्रो एल्गी तटों पर आ लगते हैं। इनमें से कई सीवीड कहलाते हैं। शैवाल महासागर के पौधों जैसे हैं। जमीन के पौधों की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 खींचते हैं और धूप की मदद से उन्हें ऊर्जा में बदल देते हैं। समुद्री इकोलॉजिस्ट मार फर्नांडिस मेंडेस देखती हैं कि शैवाल कैसे समुद्री खाद्य श्रृंखला पर असर डालते हैं। जब शैवाल महासागर से कार्बन का इस्तेमाल करते हैं तो महासागर फौरन वायुमंडल से कार्बन खींच लेते हैं। इससे संतुलन बना रहता है। आप कुछ हटाते हैं तो वायुमंडल में उसकी भरपाई से संतुलन बना रहना जरूरी है। महासागरीय काई हर साल पूरी दुनिया का 1/3 CO2 उत्सर्जन सोख लेती है, लेकिन महासागर में हो या कहीं और, सभी किस्म की काई ये काम करती है। काई उगाने का मतलब है CO2 रोकना। हजारों साल से इंसान काई का उपयोग करते आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर पूर्वी एशिया तक के मूल निवासी सीवीड उगाने वाले शुरुआती किसान हैं। इसका जिक्र सबसे पुरानी जापानी कविताओं में भी मिलता है। 1840 के दशक के महाअकाल में भी काई ने लोगों को जिंदा रखा था। आज एल्गी एक्वाकल्चर एशिया में फल फूल चुका है। वहाँ के व्यंजनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक और दवाओं में भी होता है। इन चीजों के लिए उगाई जाने वाली काई से CO2 रोकी जाती है, लेकिन मुख्य मकसद ग्रीन हाउस गैसों में कटौती का नहीं है। काई का पशुओं के चारे, फर्टिलाइजर और बायोप्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल भी होता है। प्रदूषण करने वाले उद्योगों से निकलने वाली गैसों को डाइवर्ट किया जाता है, उसका असर दोगुना होता है। आइए प्लास्टिक की बात करें। कुछ शैवालों में कुदरती रूप से PHB नाम का बायोप्लास्टिक मिलता है या बनता है। काई प्लास्टिक से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकती है। कुछ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग तकनीकों के सहारे हम ये मात्रा 10% से बढ़ाकर 80% से भी ज्यादा कर पाए। एक तरह से हमने एक असली बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया तैयार कर दिया जो ज्यादातर बायोप्लास्टिक का ही बना था। PHB आम घरेलू तरीकों से भी खत्म हो जाता है। दूसरे बायोप्लास्टिक से उलट इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता और इसके उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से मौजूद है। सियानोबैक्टीरिया बनाने के लिए पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे स्पिरुलिना, जैसे फूड कंजम्पशन के लिए ही नहीं बल्कि बायोप्लास्टिक के लिए भी। एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैक्रो एल्गी उगाने में भी किया जा सकता है। काई की एक किस्म तो बड़ी ही निराली है। जब एस्पेरागोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस को चारे में मिलाया जाता है तो वो मवेशियों में 82% तक मीथेन कम कर देता है। पाचन के दौरान मीथेन मवेशियों के पेट में बनती है जिसे जानवर डकार में निकालते हैं। इस सीवीड में जो कंपाउंड हैं वो अव्वल तो गैस बनने ही नहीं देते। काई का चारा तैयार करने वाले सिम्ब्रोसिया नाम के एक स्टार्टअप ने मीडिया का ध्यान खींचा है, लेकिन सवाल ये है कि किस पैमाने तक ये उत्पादन होगा, क्योंकि ये काई खेती से ही उगेगी। हालांकि कुछ जगहों पर काई पहले से मौजूद है, जैसे सरगासम। द सरगासो सी इसका घर है। तमाम महासागर जितनी CO2 खींचते हैं उसमें 7% हिस्सेदारी
इसकी है। कैरेबिया और मैक्सिको की खाड़ी के तटों पर 2018 में 2 करोड़ टन से भी ज़्यादा काई जमा हुई। आमतौर पर काई विघटित हो जाती है, लेकिन ये जब तटों पर आने लगी तो इससे पानी भी दूषित होने लगा, जानवर भी मरने लगे और कोरल यानी मूंगे भी बर्बाद होने लगे। इस मात्रा में सारगासम के ये विशाल गलीचे असल में मौत का जखीरा हैं। खोर्गे वेगा मातोस सी कॉम्बिनेटर कंपनी के लिए काम करते हैं, जो सारगासम की खरपतवार से इको फ्रेंडली सामान बनाती है। खाद के रूप में इसका इस्तेमाल तो रोमन साम्राज्य के दिनों से होता आया है। हम इसे अलग अलग कंपाउंडों में बदलने में सफल हो पाए, जिसका इस्तेमाल पत्तों पर स्प्रे की तरह कर सकते हैं या सीधे जमीन पर भी लिक्विड के रूप में या छोटे छोटे दानों के रूप में। इससे बने खाद के पोषक तत्व मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और पौधों को हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस से बचाते हैं। लेकिन काई का सबसे सीधा इस्तेमाल असल में सबसे सरल भी है, CO2 को अलग करना। मरने के बाद काई महासागर के तल में जा गिरती है, CO2 भी उसी में जमा रहती है। इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। अगर हम अलग की हुई कार्बन की मात्रा बढ़ाना चाहें तो जैसे सरगासम में, तो हमें मुस्तैदी से इसकी गठरी बनानी होगी, फिर इसे दबाकर वाकई इसे डुबोना होगा। यानी इसे महासागर के तल में पहुंचाने के लिए वजन चाहिए या पंप की जरूरत होगी। एक स्टडी कहती है कि 2% सागर में सीवीड उगाकर और उसे सागर तल में डुबोकर खेती से होने वाले उत्सर्जन की भरपाई हो सकती है। बड़े पैमाने पर जिस मैक्रो एल्गी की खेती होती है वो है कैल्प। वो किसी से जुड़कर ही उगता है। कुछ कैल्प फार्म एल्गी को डुबोने के काम आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा करने के लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपके पास माइक्रो एल्गी है जो फाइटोप्लैंकटन की तरह महासागर में कहीं भी उग सकते हैं, तो आपके पास जीत का सामान है, और ये है सारगासम। मैक्सिको जैसे प्रभावित इलाकों में सारगासम को जमा करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। कई स्टार्टअप और सरकारें इसे बेहतर बनाने में लगे हैं। ये सिर्फ हम जैसे बायोलॉजिस्टों के देखने की चीज नहीं है, इसे सारे समाज को देखना चाहिए। इसमें कमी है तो बस फंडिंग की। क्लाइमेट सॉल्यूशन के रूप में एल्गी फार्मिंग की ओर बढ़ते ध्यान के बीच CO2 रोकने के लिए इंसेंटिव बढ़ाए जाने की जरूरत है। महज सीवीड स्नैक्स नहीं, कुछ ज्यादा पाने की उम्मीद करिए।